महंगाई के जमाने में फ्री का माल है साहब, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो, फिर देखो मम्मी गुड़िया और मिक्की के मजेदार वीडियोस देखने को मिलेंगे बॉस। नमस्कार दोस्तों, मैं अमना अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हंगरी वेकेशंस पर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीदें अच्छी होंगे, बारिश का मजा ले रहे होंगे। आज मैं आपको एक और बॉटल प्लांटर के बारे में बताने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखिए, अभी मैंने थोड़े दिनों पहले ये प्लांटर बनाया था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं चारों तरफ, और अगर हम इसको ऊपर फास्टनिंग करके अगर इसे इस तरह से लटका दें तो ऐसा लगता है जैसे फानूस लटक रहा हो। तो ये बहुत ही सुंदर है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। पहले हमने एक बड़ी बॉटल ले ली, और बॉटल में हमने क्या किया कि छोटे छोटे छेद कर दिए दोस्तों इसके अंदर हमने। ये देखिए, देख रहे हैं अब ये छेद कर दिए मैंने यहाँ ढेर सारे जगह जगह पे। ये देखिए छोटे छोटे ऊपर नीचे ढेर सारे इसके अंदर हमने मिट्टी भर दी, पूरी मिट्टी भर दी इसके अंदर, और ढक्कन लगा दिया हमने, और ये छोटे छोटे ऊपर भी हमने छेद कर दिए। और यहाँ पे हम इसको किसी भी चीज़ से अच्छे सी किसी डोरी से, सुंदर सी डोरी से हम इसको बांध सकते हैं और ऊपर फास्टनिंग में इसको हम लटका सकते हैं। तो इसमें हमने मिट्टी भर दी है, आधी बॉटल तक हमने इसमें मिट्टी भर रखी है। आप चाहें तो यहाँ तक भी भर सकते हैं, और यहाँ पे छेद करके और भी पौधे लगा सकते हैं। इसमें मैंने दोनों तरह के प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए, ये पॉर्चुलिका है, पॉर्सलिन है, दोनों तरह के फूल इसमें बहुत सुंदर लगते हैं। और ये फूल भी मैंने तरह तरह के रंग के लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरफ जो फूल हैं ये लाल सफ़ेद हैं। अभी फ़िलहाल इसमें फूल कलियाँ आ रही हैं, फूल आए नहीं हैं। देखिए अभी एक दो दिन में आ जाएंगी, छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं इसके अंदर। और ये आप जानते हैं ये पॉर्सलिन के फूल हैं, जो अच्छे से गहरे से लाल रंग के फूल हैं, ये भी सुंदर लगते हैं। और इधर जो ये फूल हैं ये पर्पल कलर के फूल आते हैं इसके अंदर। ये देखिए कलियाँ आ रही हैं इसके अंदर भी, तो ये पर्पल कलर के फूल आते हैं। तो ये तरह तरह के रंग बिरंगे फूल इसके अंदर आते हैं, और ये भी प्लांटर जो है ये बहुत सुंदर लगता है अगर इसको इस तरह से लटका दिया जाए तो। ये भी बहुत सुंदर लगता है, और तरह तरह के फूल इसमें रोज़ाना खिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा प्लांटर भी अच्छा लगा होगा, और आशा करती हूँ कि आप भी अपने घर में एक प्लांटर ऐसा ज़रूर बनाएंगे और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अच्छे से रहिए, और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। बाय बाय।